गांधी जो कह रहे हैं कि नफरत जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए खराब है, तो ये ऐसा नहीं कि न्यूटन की तरह उन्होंने ग्रेविटी का आविष्कार कर दिया। वो बहुत ही पुरानी बात है और सब जानते हैं, और हमने इतिहास में देखा है कि जो जो समाज और देश इस नफरत के जाल में फंसे हैं उनका क्या हुआ है। सबसे पहला महंगाई, बेरोजगारी, वो तो बाद की बात है। सबसे पहला जो हमला नफरत करती है, नफरत की राजनीति करती है, वो लोकतंत्र पे करती है। अचानक अगर पत्रकारों पे हमले बढ़ रहे हैं, अचानक अगर लोग विदेश जा रहे हैं तो उनको 11th आर में जो है नोटिस भेजकर, सीबीआई का या ईडी का लुकआउट नोटिस भेजकर उनको रोकने का कोशिश हो रहा है, जिसमें अदालतों का इंटरवेंशन हो रहा है, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। और दूसरी बात, जो शुरू में आप कह रहे थे कि अमित शाह ने हिंदी को लेकर बहुत जोर लगाया है, बहुत अच्छी बात है, हिंदी को प्रमोट करना चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा बीजेपी के तमाम नेताओं से भी, जो बड़े बड़े नेता हैं, अपने बच्चों को हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ाएं। ये सब अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़े हुए हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो मंत्रियों के बच्चे हों, और विदेशों में पढ़ रहे हैं। रोज तस्वीरें डालते हैं सोशल मीडिया पे कि आज मेरा मेरा बच्चा जो है वो हार्वर्ड में चला गया, मेरा बच्चा वाटन यूनिवर्सिटी में चला गया मैनेजमेंट करने, फोटो भी डालते हैं। तो हिंदी का प्रेम अपनी जगह है। दूसरी की जो बात मैं लगातार कह रहा था कि बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है, या अनायास उसकी तरफ से हो रहा है, कि वो अपना दायरा कम कर रही है। और मैं अगले उसमें इस पे इसको डिटेल में जो है एक्सप्लेन करूंगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसको लेकर विपक्ष कैसे एक हो सकता है। दूसरी बात शरद यादव की, देखिए शरद यादव बहुत लंबी बीमारी के बाद दिखाई दिए हैं, उनकी बेटी बेटी, मैंने बीसियों बार शरद जी का इंटरव्यू किया है, बहुत गंभीर पॉलिटिशियन है। और जो बाइट शायद अभी आपने सुनाई नहीं है, जिसमें राहुल गांधी अपना चर्चा कर रहे थे, मैंने सुना कि किस तरीके शरद यादव से वो लंबी 3 घंटे की बातचीत उन्होंने गाड़ी के अंदर की, और ऐसी तमाम मुलाकातें राहुल गांधी करते रहे हैं। जहां तक 2024 की तैयारी का सवाल है राजीव जी, तो इसमें अब विपक्ष को वक्त जाया नहीं करना चाहिए, एक दिन का वक्त भी जाया नहीं करना चाहिए। कौन से मिनिमम जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, कहाँ पे जो है वो एकता हो सकती है, जो जो ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कि मुश्किल है एकता, उसको रखते हैं पार्किंग लॉट में। लेकिन जो मुद्दे हैं जिन पे एकता हो सकती है, सेकुलरिज्म पे एकता हो सकती है, तो उसको सामने लाए। और राष्ट्रपति का चुनाव जुलाई में होगा, राष्ट्रपति का चुनाव में एक ज्वाइंट कैंडिडेट आए जिसकी चर्चा चल रही है, उसमें पता भी चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, कौन किसके साथ है, और इस पर फिर आगे और